गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टिजन पार्क में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी, आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जिस स्टोरी के थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सकते हैं आप लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। आज उस स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वो स्टोरी ली गई है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक से, जिसके जो राइटर हैं वो है बर्ग हेजर्स जी। तो उस बुक से ली गई स्टोरी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है वो स्टोरी जिसके थ्रू हम नेटवर्क मार्केटिंग किसी को भी समझा सकते हैं या हम खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी ले सकते हैं कि क्या चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टिजन पार्ट को और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो उस स्टोरी में क्या चीज़ है कि दो फ्रेंड रहते हैं, दो मित्र रहते हैं, एक का नाम रहता है पैब्लो और एक का नाम रहता है ब्रूनो। दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे होते हैं कि वो दोनों बेरोजगार होते हैं कि कुछ उन्हें मिल जाए काम करने के लिए, जिससे काम करके वो अपनी रोजी रोटी चला सकें या वो लाइफ में कामयाब बन सकें। तो वो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर खोज रहे होते हैं। तो एक दिन उन्हें वो अवसर मिलता है, गांव में पानी की कमी हो जाती है लाइक, तो गांव के मुखिया आते हैं। गांव के मुखिया जी बोलते हैं कि आप दोनों को दूर स्थित झरने से पानी गांव तक लेके आना है, तो जितना आप लोग पानी लाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो दोनों लोग एग्री हो जाते हैं, दोनों लोग खुश हो जाते हैं कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट लाइक अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने के लिए। तो दोनों लोग सुबह से शाम तक बाल्टी उठा के झरने से लेके गांव तक पानी लाना शुरू कर देते हैं, पैब्लो और ब्रूनो दोनों। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि लाइक पैब्लो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो उसे थकान सी महसूस होने लगती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें काम करने की भी ज़रूरत ना हो। तो उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि झरने से लेके गांव तक हमें पाइपलाइन का निर्माण करें, पाइपलाइन बनाए। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो जाके ब्रूनो से शेयर करता है। पैब्लो के दिमाग में आइडिया आया, पैब्लो जाके ब्रूनो से शेयर किया कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना झरने से लेके गांव तक एक पाइपलाइन बना दूँ, जिससे पाइपलाइन के थ्रू पानी आएगा और हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक इतना जो चलना पड़ता है, पानी ढोना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रूनो को ये पागलपन लगा कि यार क्या मजाक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, पाइपलाइन बनाने में इतना 4 से 5 साल लग जाएंगे, तो इतने में तो मैं बहुत सारा कमा लूँगा सुबह से शाम तक मेहनत करके। तो उसको लगा कि पैब्लो पागल हो गया है। तो लेकिन पैब्लो जो था उसके दिमाग में ये आइडिया हिट कर गया। वो क्या करता था कि सुबह से लेकर शाम तक वो बाल्टियों से पानी तो लाता था, लेकिन शाम को बाल्टियों से पानी लाने के साथ साथ वो 1 से 1.5 घंटे टाइम अपना निकालना शुरू किया पाइपलाइन निर्माण करने में। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ब्रूनो आज भी लाइक बाल्टियों से पानी लाता है और पैब्लो क्या किया, धीरे धीरे करते करते 4 से 5 साल के अंदर उसने पाइपलाइन का निर्माण कर लिया। अब क्या हुआ, पैब्लो क्या करता है, पैब्लो अब बैठ के सिर्फ टोटी खोल देता है और पानी बहता रहता है, पानी गिरता रहता है, और ब्रूनो सुबह से शाम तक बाल्टियों में पानी ढोता रहता है। ब्रूनो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। अब वो क्या होता है कि वो चलने में असमर्थ हो गया। तो अब सोच, अब लाइफ उसकी आमदनी का स्रोत भी बंद हो गया, जो इनकम आती थी उससे पानी ढोने से वो भी बंद हो गई, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया, वो पानी नहीं ढो पा रहा है। लेकिन पैब्लो का क्या हुआ कि पैब्लो ने एक ऐसा एसेट बनाया, एक ऐसी संपत्ति बनाई जो हमेशा के लिए उसे काम करेगी, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे। अब इसको हम रियल लाइफ से, यही कहानी रियल लाइफ से हम लोग रिलेट करते हैं कि हमारी असल ज़िंदगी में होता क्या है। हमारी असल ज़िंदगी में चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों या फिर जॉब कर रहे हों, स्टूडेंट्स हों या जॉब करने वाले पर्सन हों, होता क्या कि हम सुबह 9 बजे जाते हैं कॉलेज और शाम को 5 बजे आते हैं, या सुबह 9 बजे जाते हैं जॉब करने, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। तो 9 to 5 के सर्कल में हमारी लाइफ चल रही होती है। तो एक दिन ऐसे ही कोई एक पर्सन मिलते हैं जो हमें प्लान बताते हैं कि अगर आप, मतलब हमसे पूछते हैं कि क्या आप, यही स्टोरी टेल करके, कि क्या आप भी पाइपलाइन निर्माण करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बोलेगा कि हाँ करना चाहते हैं। अब पाइपलाइन से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कनेक्ट है, अब यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि होता क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, अगर उसके साथ साथ वहाँ सुबह से शाम तक बाल्टियों में पानी भर के लाते थे और यहाँ 9 to 5 हम लोग जॉब करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर उसके साथ साथ जो पैब्लो ने किया वही हम करना शुरू करते हैं, पार्ट टाइम में पैब्लो ने पाइपलाइन बनाना शुरू किया, पार्ट टाइम
करके हम लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके लाइक वेस्टीज ज्वाइन करके हम उसमें अपना नेटवर्क बनाना शुरू करें, तो धीरे 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 एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, 2 से 3 साल बाद हमारा एक स्टेबल नेटवर्क बनेगा। जैसे उसकी पाइपलाइन का निर्माण हो गया और पानी अब हमेशा बह रहा है, वैसे ही आपका भी एक स्टेबल नेटवर्क बन जाएगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, लाइक आपकी आमदनी हमेशा आती रहेगी। यही चीज़ होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम लाइक अगर हमें कोई भी इंसान कामयाब है तो उसे आप उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखिए, उसकी जो इनकम का सोर्स होता है वो मल्टीपल एसेट बनाता है और पैसिव इनकम का बनाता है। वो कभी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता या एक्टिव इनकम सोर्स पे वो डिपेंड नहीं रहता, वो हमेशा पैसिव इनकम सोर्स बनाता है कि यार चलो ठीक है आज तो हम हैं लेकिन अगर कल हम नहीं रहे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो यही सोच के वो पैसिव इनकम सोर्स बनाता है और धीरे धीरे करते करते वो अपना बिजनेस बिल्ड कर जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें करने के लिए सबसे पहला रीज़न होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें टाइम की फ्रीडम और मनी की फ्रीडम लाइक पैसिव इनकम हमें जनरेट करने को मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है पैसिव इनकम। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये स्टोरी मैं समझा पाया हूँगा। अगर आप लोगों को स्टोरी समझ में आई और आप भी लाइफ में अपनी लाइफ में पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं या पाइपलाइन जैसा कि आप अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग साथ में मिलकर आपकी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में और हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड, विश यू वेल्थ।